कोनाथला फणी भूषण श्रीधर, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के जिला परिषद हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं, इन्होंने अपने विद्यार्थियों को पारंपरिक तकनीकों जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। श्री कोनाथला फणी भूषण को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री एस मुनी रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के ZP हाई स्कूल में गणित के अध्यापक हैं, बहुत से विद्यार्थियों को NMMS स्कॉलरशिप्स मिली हैं और अनेक को देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला मिला है। मैंने ग्रामीण बच्चों के भविष्य सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया। श्री एस मुनी रेड्डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री रंगैया कदेरला, जो तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के एक प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं, इनकी नवीन सोच के कारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कराने के लिए स्कूल के लगभग 100 अलुमिनी ने अपना पूरा सहयोग दिया। हम बहुत खुश हैं कि अब बच्चे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज सीख रहे हैं। श्री रंगैया कदेरला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं श्री रामास्वामी पय्यावुला, जिला परिषद हाई स्कूल इंदिरा नगर सिद्दीपेट यू, तेलंगाना के प्रधान अध्यापक। बीइंग हेडमास्टर आई एनविजेंड टू एक हेडमास्टर के नाते मैंने स्कूल और बच्चों के विकास के लिए काम किया है। इन्होंने अपनी लगन और प्रयासों से इस सरकारी स्कूल को शहर के सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक बना दिया। श्री रामास्वामी पय्यावुला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती ममता पालीवाल, व्याख्याता, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी। हिमाचल प्रदेश कंडाघाट कलहौक से श्री कमल किशोर शर्मा, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। पंजाब से श्री जगतार सिंह, शिक्षक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मानेला, फतेहगढ़ साहिब। राजस्थान झुंझुनू सूरजगढ़ पिलानी से श्रीमती अचला वर्मा, अध्यापिका बेला बालिका विद्यापीठ। राजस्थान से श्री दीपक जोशी, शिक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दांडूसर बीकानेर। राजस्थान झुंझुनू सूरजगढ़ से श्री जय सिंह, सीनियर फिजिकल टीचर, शासकीय उच्चतर विद्यालय देवरोड। गुजरात से श्रीमती वनीता दयाभाई राठौड़, प्रधानाचार्य श्री विनोबा भावे, स्कूल नंबर 93, वेस्ट जोन, राजकोट। गुजरात भुज से श्री अशोक कुमार मोहनलाल परमार, अध्यापक हितेश कोलकिया विद्यालय। मध्य प्रदेश से श्री शक्ति पटेल, माध्यमिक शिक्षक, राजकीय उच्च विद्यालय मान मंडला। बिहार भभुआ रामगढ़ डहरक से श्री हरिदास शर्मा, प्रधान अध्यापक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय। बिहार से श्रीमती चंदना दत्त, शिक्षिका, MS राती, राजकीय विद्यालय राजनगर मधुबनी। ओडिशा भद्रक से श्री अशोक कुमार सत्पति, अध्यापक, जिला गवर्नमेंट स्कूल। ओडिशा से श्री अजीत कुमार सेठी, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, राजकीय अपर प्राइमरी स्कूल कनमना, छतरपुर, गंजम। पश्चिम बंगाल मालदा सोवानगर से श्री हरिस्वामी दास, प्रधानाध्यापक, सोवानगर हाई स्कूल। जम्मू कश्मीर से श्री संजीव कुमार शर्मा, शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय इकनी, रियासी। लद्दाख कारगिल कन्नूर से श्री मोहम्मद अली, प्रधान अध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय। उत्तर प्रदेश से श्रीमती तृप्ति माहौर, शिक्षिका, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज किला सदर, रामपुर। उत्तर प्रदेश औरैया शिवगंज से श्री मनीष कुमार, अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल। दिल्ली से
श्रीमती सुरुचि गांधी, प्रधानाचार्य बाल भारती पब्लिक स्कूल सेक्टर 12 द्वारका। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 11 से श्री विपिन कुमार, उप प्रधानाचार्य राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। केरल से श्री मैथ्यू के थॉमस, शिक्षक सैनिक स्कूल काजकुटम तिरुवनंतपुरम। फ्रॉम केरला त्रिसुर वेरावर श्री प्रसाद मनापरम्बे भास्करन, हेड टीचर एट गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल। केरल से श्री फैजल एसएल, टीजीटी लाइब्रेरियन केंद्रीय विद्यालय पट्टम तिरुवनंतपुरम। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग से श्री डूडा सोरा, प्रधान अध्यापक गवर्नमेंट उच्च प्राथमिक विद्यालय। नागालैंड से श्रीमती स्वेदी सोनू गांव, मुख्य शिक्षिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय जखमा कोहिमा। मणिपुर उखरुल से श्री निंग मारियो शिमरे, विख्यात उखरुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। सिक्किम से श्री प्रेमदास छेत्री, शिक्षक सरताशी नामग्याल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैंगटॉक। सिक्किम नॉर्थ सिक्किम से श्री मिंगमा शेरपा, प्रधान अध्यापक लूम प्राथमिक विद्यालय। मिजोरम से श्रीमती जेसिंटा वालन लेंग्जमी, मुख्य शिक्षिका A&M ग्रैंड चाइल्ड स्कूल ईस्ट लंगर सिरछिप। त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा दुकली आरडी ब्लॉक पांडवपुर से श्री शिव शंकर पाल, मुख्य शिक्षक पांडवपुर उच्च विद्यालय। असम से श्री कंकण किशोर दत्ता, शिक्षक बमन पुखुरी हाई स्कूल पूर्वी जोरहाट। असम बक्सा से श्री बिनंद स्वर्गियारी, अध्यापक केवी दोलकुची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। झारखंड से श्री मनोज कुमार सिंह, शिक्षक हिंदुस्तान मित्र मंडल मिडिल स्कूल जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। छत्तीसगढ़ बस्तर से श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, विख्यात एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। आंध्र प्रदेश से श्री कोणाथाला फणिभूषण श्रीधर, शिक्षक जिला परिषद हाई स्कूल एस रायावरम विशाखापट्टनम। फ्रॉम आंध्र प्रदेश चित्तूर श्री एस मुनि रेड्डी, टीचर एट जिला परिषद हाई स्कूल। तेलंगाना से श्री रंगैया कडेरला, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल स्वारखेड़ा कुमुराम भीम आसिफाबाद। फ्रॉम तेलंगाना सिटी पेट इंदिरा नगर श्री रामा स्वामी पयावला, हेड टीचर एट जिला परिषद हाई स्कूल। कर्नाटका से श्री नागराजा सीएम, शिक्षक गवर्नमेंट हाई स्कूल बैंगलोर साउथ। फ्रॉम तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली मिस आशा देवी के, हेड टीचर एट पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल। तमिलनाडु से श्रीमती ललिता डी, प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोटाकुरीची ईरोड। महाराष्ट्र गढ़चिरौली सिरोचा से श्री खुर्शीद कुतुबुद्दीन शेख, अध्यापक जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय। महाराष्ट्र से श्री उमेश रघुनाथ खोसे, शिक्षक जिला परिषद प्राइमरी स्कूल जगदम्बा नगर उमरेगा उस्मानाबाद। फ्रॉम पुडुचेरी मनापेश श्री जया सुंदर बी, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल अवॉर्डीज। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु अपने बहुमूल्य आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। शिक्षक दिवस के इस समारोह में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी एवं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण, विभिन्न केंद्रों पर उपस्थित शिक्षकगण, गणमान्य अतिथियों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर
मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती यदि हम सब एक ही स्थान पर एकत्रित होते, परंतु विगत वर्ष की तरह इस साल भी कोविड की महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने हमें सबको सामूहिक उपस्थिति से वंचित रखा है। अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूँ। ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण हमारे सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉ. राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्वविख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सबके जीवन में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को अपने शिक्षकों की याद आजीवन रहती है। जो शिक्षक स्नेह और निष्ठा के साथ अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं, उनके प्रति ऐसे विद्यार्थी सदैव आदर भाव रखते हैं। आज तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे अपने स्कूल में जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का सम्मान करने तथा उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप सबके विद्यार्थी भी आप सभी के लिए अपने हृदय में विशेष स्थान रखते हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे अपने स्कूल के एक अध्यापक के विषय में बताया करते थे कि जिनके पढ़ाने की रोचक शैली के कारण बचपन में ही उनमें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की ललक पैदा हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे। ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है। आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। प्रिय शिक्षकगण, पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। मेरा मानना है कि हर किसी के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य और प्रत्येक वस्तु को उपयोगी माना गया है, किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया। संस्कृत में एक सुभाषित है,
अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके प्रयोग से सार्थक कथन अथवा मंत्र की रचना ना हो सके। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका उपयोग औषधि के रूप में ना हो सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें योग्यता ना हो, लेकिन इन सब का संयोजन करने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ होते हैं। किसी भी समाज में निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होती है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। हमारे देश में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के उदाहरण उपलब्ध रहे हैं। लगभग 125 वर्ष पहले पश्चिम के विकसित देशों में शिक्षाविद विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे तथा स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड की सोच को विश्व के प्रमुख शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाया गया था। उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विद्यालय शांति निकेतन में शारीरिक दंड सर्वथा वर्जित था। गुरुदेव मानते थे कि ऐसे दंड का विद्यार्थियों के कोमल मनोमस्तिष्क तथा व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज पूरा शिक्षा जगत इस मनोवैज्ञानिक तत्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार भारतीय परंपरा के संवाहक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा संबंधी सोच अत्यंत आधुनिक थी। हमें अपनी परंपरा में निहित आधुनिकता को अपनाना है। आपको यह सदैव ध्यान में रखना है कि भय पर आधारित शिक्षा के मुकाबले प्रेम पर आधारित शिक्षा अधिक सिद्ध, अधिक कारगर सिद्ध होती है। देवियों और सज्जनों, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से गुजर रहा है। इस परिस्थिति में जब सभी कॉलेज और स्कूल बंद थे, तब भी शिक्षकों ने विषम स्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा का क्रम रुकने नहीं दिया। इसके लिए शिक्षकों ने प्रयासपूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना सीखा और शिक्षा प्रक्रिया को जारी रखा। ऐसे सराहनीय प्रयास करने वाले कुछ शिक्षकों को आज पुरस्कृत भी किया गया है। मुझे बताया गया है कि कुछ शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूलों में उल्लेखनीय बुनियादी सुविधाएं विकसित की हैं। मैं ऐसे समर्पित शिक्षकों को साधुवाद देता हूँ। समस्त शिक्षक समुदाय से मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि वे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपनी शिक्षण पद्धति में भी बदलाव करते रहेंगे। शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रज्ञाता अर्थात डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश भी एक सराहनीय कदम है, जो कोविड महामारी के संकट काल में भी शिक्षा की गति को बनाए रखने की दृष्टि से गत वर्ष उठाया गया था। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने का रोड मैप साझा किया गया है। विषम परिस्थितियों में भी नए रास्ते तलाशने के लिए मैं केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम की सराहना करता हूँ। मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत किए गए 44 शिक्षकों में 10 महिलाएं शामिल हैं। शिक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका सदैव प्रभावशाली रही है। 19वीं शताब्दी में ही भारत के सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाकर विदुषी सावित्रीबाई फूले ने बालिका शिक्षा की दिशा में कालजयी योगदान किया। वे स्वयं भी आजीवन शिक्षा प्रदान करने का पवित्र कार्य करती रही। बेटियों की शिक्षा को अप्रतिम योगदान देने के लिए ऐसी महान विभूति को मैं हृदय से नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके आदर्शों से अनगिनत लोगों को प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। अंत में एक बार पुनः मैं सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देता हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब
अपने बहुमूल्य शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए सम्माननीय आपका धन्यवाद।